Ready? Ready. मूवी के शुरुआत में हमें एरल नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने मॉम डैड के साथ एयरपोर्ट पर आया हुआ था, क्योंकि इसके डैड शहर से दूर किसी काम से जा रहे थे। इनका नाम गैब्रियल है। ये अपने बेटे से वादा करते हैं कि ये तीसरे दिन वापस आ जाएंगे। इसके बाद ये अपने बीवी बच्चे को गुड बाय कहकर चले जाते हैं। इसके बाद हमें तीसरा दिन दिखाया जाता है जब एरल के डैड वापस आने वाले थे। एरल की ग्रेस नाम की एक बेस्ट फ्रेंड है जिसके साथ ये रोज स्कूल जाता था। शाम को ये अपनी मॉम के साथ एयरपोर्ट पर अपने डैड को लेने के लिए आया था, मगर काफी देर इंतजार करने पर भी इसके डैड नहीं आते। मैरी यहाँ पूछताछ करती है मगर कोई फायदा नहीं। तब ये उस होटल में फोन करती है जहाँ गैब्रियल का कॉन्फ्रेंस था। वहाँ से इसे जानकारी मिलती है कि गैब्रियल ने अभी तक चेकआउट नहीं किया है, उनका सारा सामान अभी भी होटल में ही है। ये जानकर मैरी परेशान होने लगती है क्योंकि गैब्रियल का फोन भी नहीं लग रहा था। तब ये अपने डैड विलियम को फोन करके उन्हें सारी बात बताती है, जिस पर विलियम कहते हैं कि हाँ, जाने से पहले वो मुझसे मिला था। वो किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था, लेकिन मेरे पूछने पर उसने ज्यादा कुछ नहीं बताया। इसके बाद ये दोनों गेब को ढूंढने के लिए हर उस जगह पर जाते जहां गेब अक्सर जाया करता था। मैरी गेब के सभी जानने वालों को फोन करके पता लगाने की कोशिश करती है, मगर यहां से भी कोई फायदा नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे गेब कहीं गायब हो गया हो। विलियम अपनी बेटी को उस जगह पर भी लेकर जाता है जहां गेब अपना रिसर्च कर रहा था। यहां पर मैरी को गेब का वॉलेट और उसका मोबाइल मिलता है, जिसे देखकर ये हैरान थे कि आखिर गेब अपना मोबाइल और वॉलेट के बिना कहीं कैसे जा सकता है। खैर, ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरता है और आज पूरे 12 साल हो चुके हैं, मगर अभी भी गेब का कोई अता पता नहीं। मैरी अभी भी इसी उम्मीद में थी कि कभी न कभी इसके पति वापस आएंगे। अब एरल काफी बड़ा हो चुका है और इसकी बेस्ट फ्रेंड ग्रेस अब इसकी गर्लफ्रेंड है। विलियम अब एक प्रोफेसर है जो बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्ही में से एरल भी था। एरल क्लास में हमेशा देर से आता था, मगर पढ़ने में ये बहुत तेज था, बिल्कुल अपने डैड के जैसा। विलियम इससे पूछते हैं कि आखिर तुम इतने मुश्किल सवालों के जवाब कैसे ढूंढ लेते हो। एरल कहता है, ये तो बहुत आसान है, मुझे अपने आप ही सब कुछ समझ में आने लगता है। तब विलियम कहते हैं कि मुझे एक परेशानी है जिसका हल मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ। ये एरल को टाइम ट्रेवल के बारे में समझाने लगते हैं कि ये कैसे काम करता है, और ये भी बताते हैं कि तुम्हारे डैड इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने टाइम मशीन बना लिया था और वो उसका इस्तेमाल करके किसी और समय में चले गए हैं। एरल कहता है, ये सब बकवास है, मेरे डैड मर चुके हैं। ये टाइम ट्रेवल और दूसरी दुनिया, ये सब आपकी कल्पना है, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं, और प्लीज ये बात मॉम को मत बताना, नहीं तो वो बेवजह परेशान होंगी। इसके बाद ये अपनी गर्लफ्रेंड ग्रेस से जाकर मिलता है। शाम को फिर से विलियम इसके घर आकर इसको समझाने की कोशिश करता है। विलियम कहता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मगर ट्राई करने में क्या जाता है। इतना कहकर ये अपनी बेटी से मिलकर चले जाते हैं। एरल की मॉम अपने पति गेब को याद करके रो रही थी। ये एरल से कहती है कि मैं कई दिनों से सोई नहीं हूँ, अब मुझे नींद भी आना बंद हो गया है। एरल अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करता है कि आप उन्हें भूल जाओ, अब वो वापस नहीं आने वाले, मगर इसकी मॉम ये मानने को तैयार नहीं थी, जिस पर गुस्से में एरल यहाँ से निकल जाता है। अगली सुबह जब ये घर वापस आता है तब ये देखता है कि इसकी मॉम ने जहर खा लिया है, जिसकी वजह से अब इसकी मॉम इस दुनिया में नहीं है। ये जानकर सभी लोग बहुत दुखी होते हैं, खासकर एरल, जिसने आखिरी बार अपनी मॉम से गुस्से में बात किया। कब्रिस्तान से लौटते समय एरल विलियम से कहता है कि अब ये तैयार है, क्योंकि एरल अनाथ होना नहीं चाहता था। फिर क्या था, ये दोनों टाइम मशीन प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करते हैं। विलियम एरल को बताता है कि शायद तुम्हारे डैड 1945 में मिस्टर आइंस्टाइन से मिलने गए हैं, क्योंकि मुझे एक बॉक्स पर मिस्टर आइंस्टाइन के घर का एड्रेस मिला था। तब एरल नेट पर 1945 की न्यूज देखता है, जिसमें इसे पता चलता है कि कोई अनजान आदमी कुछ चोरों के हाथों मारा गया और उसकी डेड बॉडी के पास बिल्कुल वैसे ही घड़ी थी जो एरल के डैड के पास थी। मतलब साफ है कि ये इसी के डैड हैं जो यहाँ से जाकर 1945 में चोरों के हाथों मारे गए। अब एरल को पूरा यकीन हो गया था कि इसके डैड ने टाइम ट्रेवल मशीन बना लिया था। ये जानकर एरल और भी ज्यादा मेहनत करने लगता है। इस तरफ ग्रे
एलिस बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। ये परेशान थे कि आखिर एरल इससे मिल क्यों नहीं रहा है। पूछने पर ये इसको बताता है कि ये प्रोफेसर विलियम के साथ वार्म होल पर रिसर्च कर रहा है, और जब ग्रेस नेट पर वार्म होल के बारे में सर्च करती है तब इसे पता चलता है कि एरल टाइम ट्रेवल के ऊपर काम कर रहा है। ये तुरंत भागकर एरल के पास आती है और इससे कहती है कि क्या तुम सच में टाइम ट्रेवल करना चाहते हो। ये सुनकर एरल हैरान था कि आखिर ये बात इसे कैसे पता चली। आखिर में ये ग्रेस को बता देता है कि ये टाइम ट्रेवल पर ही काम कर रहा है। ग्रेस कहती है, आखिर तुम ऐसी चीजों पर कैसे विश्वास कर सकते हो। एरल कहता है, शायद ये तुम्हें पागलपन लगे लेकिन ये सच है, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बता रहा था। शाम को घर आने के बाद ये दोनों फिर से टाइम ट्रेवल के बारे में बात करने लगते हैं। यहाँ पर ग्रेस एरल को बताती है कि ये प्रेग्नेंट है, और अगर तुमने अपना रिसर्च जारी रखा और टाइम मशीन बना भी लिया फिर सोचो क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर ग्रेस एरल को ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि अगर ये टाइम में पीछे जाकर अपने डैड को वापस लेकर आएगा तब हमारी प्रेजेंट टाइमलाइन पूरी तरह से बदल जाएगी, क्योंकि इन दोनों में दोस्ती तभी हुई थी जब इसके डैड यहाँ पर नहीं थे, और अगर इसके डैड वापस आ गए तब शायद इन दोनों की जिंदगी बहुत अलग हो जाएगी। ये बात एरल को समझ में आने लगती है। एरल प्रोफेसर विलियम से जाकर ये प्रॉब्लम बताता है, जिस पर विलियम कहते हैं कि ये सच है लेकिन अभी तक हमने मशीन नहीं बनाया है, बाकी फैसला तुम्हारे हाथ में है। शाम को जब ये घर आता है तब ग्रेस घर छोड़कर जा रही थी। इसका कहना था कि हमें अभी से अलग हो जाना चाहिए क्योंकि आगे चलकर हम वैसे भी अलग ही होने वाले हैं। यहाँ पर एरल अपने दिल पर पत्थर रखकर कहता है कि अब से ये उस प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेगा और हम जल्द ही शादी कर लेंगे। अगले दिन ये दोनों अपने लिए एक नया घर देखने के लिए जाते हैं। इस तरह प्रोफेसर विलियम फिर से अकेले पड़ गए थे। ऐसे ही कुछ और दिन बीतते हैं और हमें एक दिन दिखाया जाता है कि ग्रेस का बच्चा किसी कारण से नहीं रहा। ये जानकर एरल समझ जाता है कि ये टाइमलाइन इसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, इसीलिए अब ये फिर से प्रोफेसर विलियम के साथ मिलकर टाइम ट्रेवल पर काम करने लगता है। करीब एक महीने बाद ये दोनों उस टाइम मशीन को बना लेते हैं। एरल ग्रेस के पास आकर कहता है कि ये दूसरी टाइमलाइन में भी इसके साथ ही रहेगा, ये इसका वादा है। इतना कहकर ये यहाँ से चला जाता है और अपने पास एक गन लेकर उसी समय में जाने के लिए निकलता है जहाँ इसके डैड गए हैं, यानी कि 1945 में। एरल टाइम मशीन में बैठता है और विलियम मशीन को ऑन करते हैं, और देखते ही देखते एरल यहाँ से गायब हो जाता है। अब हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है जब एरल अपने डैड को एयरपोर्ट पर छोड़ने आया था। गैब्रियल यहाँ से निकलकर उसी जगह पर आता है जहाँ इसने टाइम मशीन बना रखा था। ये उस मशीन में बैठकर 1945 में पहुँचता है। गैब्रियल चारों तरफ देखता है, यहाँ पर सभी ने पुराने जमाने के कपड़े पहन रखे थे, जिससे गैब्रियल को यकीन हो जाता है कि ये सच में टाइम में पीछे आ गया है। साथ में हम एरल को भी देखते हैं जो इसके पीछे ही आया था। गैब्रियल मिस्टर आइंस्टाइन के घर उनसे मिलने के लिए पहुंचता है, मगर वो अभी घर पर नहीं थे। तब गैब्रियल इधर उधर घूमकर यहाँ का नजारा देखता है। एरल भी इनके पीछे पीछे घूम रहा था, मगर गैब्रियल अपने बेटे को नहीं पहचानते। खैर इसके बाद गैब्रियल एक होटल में आकर बैठता है और तभी इनके पास एरल आकर इनसे बातचीत करने लगता है, और बातों ही बातों में ये इन्हें बता देता है कि ये कौन है और यहाँ पर क्यों आया है। गैब्रियल को पहले तो यकीन नहीं होता, मगर एरल ऐसी ऐसी चीजें बताता है जिसके बाद इन्हें यकीन करना ही पड़ता है। एरल इनसे पूछता है कि आप आखिर यहाँ आए हैं क्यों, जिस पर गैब्रियल बताता है कि ये मिस्टर आइंस्टाइन से मिलकर उन्हें अपने रिसर्च के बारे में बताने के लिए यहाँ पर आया था। तब एरल इन्हें न्यूज दिखाता है जिसमें आज ही इनकी मौत होनी है, और ये भी बताता है कि इसकी मॉम ने इनके याद में जहर खाकर सुसाइड कर लिया, और इसकी गर्लफ्रेंड ग्रेस की भी जिंदगी बर्बाद हो गई क्योंकि इनका बच्चा अब नहीं रहा। इसीलिए मैं यहाँ आपको लेने आया हूँ, आप प्लीज तुरंत अपने समय में लौट जाओ जिससे हम सबकी जिंदगी सही हो जाएगी। ये सब सुनने के बाद गैब्रियल कहता है कि तुम सही हो, मैं वापस जाने के लिए तैयार हूँ, पर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। हम दोनों मिलकर मिस्टर आइंस्टाइन को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे जिससे पूरा इतिहास बदल सकता है। और रही बात मेरी मौत की, तो मुझे मालूम है कि मैं कहाँ मरने वाला हूँ, तो मैं उस जगह पर जाऊँगा ही नहीं जहाँ मेरी मौत होनी है। यहाँ पर गैब्रियल अपनी जगह पर सही था क्योंकि इसने इस प्रोजेक्ट पर कई साल मेहनत किया है। एरल कहता है, मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता, और आपके लिए सबसे जरूरी क्या है, आपका प्रोजेक्ट या फैमिली। जिस पर गैब्रियल कहता है कि हाँ फैमिली जरूरी है, मगर मैं इस प्रोजेक्ट को भी नहीं छोड़ सकता। फिर क्या था, एरल प्लान भी इस्तेमाल करता है और अपनी गन निकालकर अपने आप को ही शूट कर लेता है।
है क्योंकि इसके पास और कोई रास्ता नहीं था। ये देखकर गैब्रियल रोने लगता है और ये फैसला करता है कि ये इस प्रोजेक्ट को बंद कर देगा। अब हमें मूवी का लास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ गैब्रियल अपने समय में वापस आ गया था, यानी कि उस तीसरे दिन में। यहाँ पर हम छोटे एरल और उसकी मॉम को देखते हैं जो गैब्रियल को देखकर बहुत खुश थे, और साथ में हम छोटी ग्रेस को भी देखते हैं जो अभी एरल से मिलने यहाँ आई थी। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं किसी और मूवी के साथ।